अक्सर आपने देखा होगा वाहन चेकिंग के दौरान जब किसी नेता को रोका जाता है या नेता के किसी रिश्तेदार को रोका जाता है तो वो भड़क उठते हैं, पुलिस को अपनी पावर दिखाने लगते हैं और कई कई बार तो बहसबाजी पर भी उतर आते हैं। और जब गाड़ी में मंत्री बैठे हों तो मामला और बढ़ जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बीते दिनों जो हुआ उसे देखकर आपकी सोच बदल जाएगी। जी हाँ, ग्वालियर पुलिस के कुछ जवानों ने कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न तोमर की गाड़ी को रोका तो वो गुस्सा नहीं हुए बल्कि सुबह के वक्त उन्हीं पुलिस वालों को सम्मानित करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जिसके बाद उनकी चौतरफा तारीफ होने लगी। यही नहीं, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आपके इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, आपने सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक मिसाल कायम की है। हुआ यूं था, मंत्री जी शादी समारोह से रात में लौट रहे थे। हजीरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मंत्री जी की गाड़ी को रोका और गाड़ी को पूरी तरह चेक किया। मंत्री ने पुलिस कर्मियों के साहस को सराहा, उनकी हौसला अफजाई की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है, पुलिस कर्मियों ने जिस मुस्तैदी दिखाई है यह काबिले तारीफ है, पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़े इसलिए मैं उन्हें सम्मानित करने आया हूँ। देखिए, मैं चार फेर नाके से 10:30-11 बजे के करीब एक शादी से लौट रहा था तो चार फेर नाके पुलिस चौराहे के ऊपर पुलिस चेकिंग कर रही थी और सब गाड़ियों को रोक करके चेकिंग चल रही थी। उस क्रम में मेरी भी गाड़ी रुक गई। मैं शाम को फॉलो और पायलट नहीं लिए था, मैं था और एक मेरा PSO था। उसने गाड़ी चेक की, पीछे गाड़ी चेक की, मुझे लगा कि ये काम बहुत अच्छा है। जब मेरा उसका TI का परिचय भी हुआ तो मैंने उसको शाबाशी दी और मेरे मन ने कहा कि कल सुबह इन लोगों को हार फूल माला पहनाना चाहिए, इनाम देना चाहिए, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो काम वर्तमान के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी, जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटा बेटी, वो कब सुरक्षित रहेंगे? जब पुलिस सही तरीके से बदमाशों पे निगरानी करे और उसमें चाहे गाड़ी किसी की भी हो उसकी चेकिंग होनी चाहिए। ये आज माननीय मंत्री महोदय ने मुझे दूरभाष पे सुबह अवगत कराया कि रात्रि में वे जब निकल रहे थे तो हजीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत उनकी गाड़ी को वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा रोका गया और चूंकि माननीय मंत्री महोदय के साथ उस वक्त कोई पायलट नहीं था, उन्होंने पायलट को छोड़ दिया था और थाना प्रभारी वहाँ पर नए थे और माननीय मंत्री महोदय ने मास्क वगैरह भी लगा रखा था तो एकदम से वो पहचान नहीं पाए। उन्होंने शालीनता और शिष्टता दोनों के साथ गाड़ी को रोका और चेकिंग करने की बात की। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय खुद उतर के और उन्होंने गाड़ी चेक करवाई और उन्होंने मुझे फ़ोन से अवगत कराया कि यदि पुलिस इस तरह से चेक करती है और सभी गाड़ियों को तो निश्चित तौर पे आपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी। और वो आज यहाँ कंट्रोल रूम आए, कंट्रोल रूम आके उन्होंने जो चेकिंग में थाना प्रभारी समेत टीम लगी थी उनका सम्मान किया।